को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहजनवा में करेंगे कई योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। एडीजी दावा शेरपा ने की गोरखपुर जोन के कानून व्यवस्था की समीक्षा, आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंध सभी महाविद्यालयों का अब एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा में होगा सभी महाविद्यालयों में दाखिला, 16 मार्च से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। बजट में एनी रेलवे को मिली कई सौगातें, महाप्रबंधक रेलवे ने बताया यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा पर रखा जाएगा विशेष ध्यान। गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव में भारी जीत के लिए भाजपा की आयोजित हुई बैठक, बूथ और ब्लॉक स्तर पर पार्टी के योजनाओं को पहुंचाने पर दिया जोर। आकांक्षा समिति के तत्वावधान में आयोजित हुई रक्तदान शिविर, 55 लोगों ने दान किए 36 यूनिट ब्लड। अब सीसीटीवी कैमरे की पहरेदारी में भी होगी सभी स्नातक स्तर की परीक्षाएं, विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया फैसला। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, उप निदेशक मंडी तथा अधिशासी अभियंता विद्युत को कारण बताओ नोटिस, अधिशासी अभियंता विद्युत तथा एसडीओ को स्पष्टीकरण और गोला के नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु शासन को भेजी संस्तुति। जिला विद्यालय निरीक्षक के जांच में मोरीपुर स्थित आदर्श कन्या विद्यालय में मिली अनियमितता, एक के खिलाफ चिलुआ ताल में दर्ज हुआ मुकदमा। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद का हुआ शुभारंभ। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के अंतर्गत 8 से 11 फरवरी तक दिया जाएगा कब्जा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव राम सिंह गौतम ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा 14 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन कैरम और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, कुल 48 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट दूसरे दिन भी रहा जारी, प्रतियोगिता में 26 टीमों ने किया प्रतिभाग। खेलो इंडिया में उप विजेता होकर लौटी गोरखपुर की वॉलीबॉल टीम, खिलाड़ियों का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ जोरदार स्वागत। और गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएससी मैथ प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को दी विदाई।